नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज हम बात करेंगे एनिमल स्केलेटन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि जो एनिमल का स्केलेटन होता है वो कौन कौन सी संरचनाओं से मिलकर बना होता है। तो देखिए एनिमल स्केलेटन होता है वो तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिनमें देखो हड्डी आ जाती हैं और लिगामेंट आ जाता है और कार्टिलेज आ जाता है, ठीक है। तो ये जो तीनों संरचनाएँ होती है वो मिलकर क्या बनाती हैं, यानी कि कंकाल बनाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंकाल की। तो जो जानवरों का जो कंकाल होता है वो कैसा होता है, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री का होता है, यानी कि इसको अगर हम काटेंगे ना तो दो बराबर भागों में इसको हम बांट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर कंकाल की बात करें तो देखिए जो कंकाल होता है उसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पूरा जो कंकाल दिख रहा है आपको इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो एक्जियल स्केलेटन और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अब देखो अक्षीय कंकाल क्या होता है, यानी कि शरीर के अक्ष की तरफ, शरीर के अक्ष की तरफ जितनी भी संरचना स्थित होती हैं उन सभी को हम अक्षीय कंकाल में गिनते हैं, और शरीर के अक्ष से दूर जो भी संरचनाएं होती हैं उनको हम उपांगीय कंकाल में शामिल करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरे कंकाल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो अक्षीय कंकाल और एक उपांगीय कंकाल। अब देखो अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी संरचना आती हैं, तो अक्षीय कंकाल में एक तो स्कुल आ जाता है, यानी कि खोपड़ी आ जाती है, और ये वर्टिब्री आ जाती है, ठीक है, वर्टिब्री आ जाती है, उसके बाद ये रिप्स आ जाती हैं और स्टर्नम आ जाता है, यानी कि जो चारों संरचनाएँ होती हैं स्कुल, वर्टिब्री, रिप्स और स्टर्नम, इनको तो पढ़ते हैं हम किस में, अक्षीय कंकाल में, यानी कि एक्जियल स्केलेटन में। और बचा क्या, अगले पैर और पिछले पैर, इनको पढ़ते हैं हम उपांगीय कंकाल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, अक्षीय कंकाल की। तो देखिए अक्षीय कंकाल में हम बात करेंगे किसकी, खोपड़ी की। तो खोपड़ी क्या होती है, यानी कि सिर का जो कंकाल होता है ना उसको बोलते हैं हम खोपड़ी, ठीक है। अब इस खोपड़ी में दो प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, कितने प्रकार की, दो प्रकार की, एक तो क्रेनियल बोन और एक फेसियल बोन। अब क्रेनियल बोन क्या होती है और फेसियल बोन क्या होती है, तो क्रेनियल बोन क्या होती है, सिर के पीछे की तरफ जितनी भी हड्डियां स्थित होती हैं उनको बोलते हैं हम क्रेनियल बोन, और फेसियल जो फेस की तरफ स्थित होती है, चेहरे की तरफ स्थित होती है, उनको बोलते हैं हम फेसियल बोन, ठीक है। अब देखिए फेसियल बोन कौन कौन सी होती हैं, तो फेसियल बोन में देखो तुम्हारे मैगजिला आ जाएगी, प्री मैगजिला आ जाएगी, मैंडिबल आ जाएगा, ठीक है, और भी हैं, हायोड बोन आ जाएगी, बोमर आ जाएगी, नेजल बोन आ जाएगी, लैक्राइमल आ जाएगी, ठीक है। ये सभी किस में आती हैं, तो ये आती है फेसियल बोन में। और क्रेनियल बोन में कौन से आ जाएंगी, तो ऑक्सीपिटल बोन आ जाएगी, ये ऑक्सीपिटल है, स्पिनोइड आ जाएगी, ठीक है, इथेमोइड आ जाएगी, पैराइटल आ जाएगी, फ्रंटल आ जाएगी, इंटरपैराइटल आ जाएगी, इंटरपैराइटल आ जाएगी, ठीक है। तो ये सभी किस में आती हैं, तो ये आ जाएंगी अपने क्रेनियल बोन में। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, हॉर्न है, यानी कि दोनों सींग हैं, और सींगों के जो ये बीच का स्थान है इसको बोलते हैं हम क्या, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम पोल, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब देखिए खोपड़ी में एक फोरामेन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, फोरामेन। अब फोरामेन क्या होता है, यानी कि हड्डी में पाए जाने वाला छिद्र जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड एवं नर्व निकलती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, फोरामेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोरामेन। तो देखिए खोपड़ी का सबसे बड़ा फोरामेन कौन सा है, ये छिद्र, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन यहाँ छिद्र पाया जाता है, इसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम, क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मैग्नम, जो कि खोपड़ी का सबसे बड़ा फोरामेन होता है। और इसमें से क्या निकलती हैं, रक्त वाहिनियाँ होती हैं, तंत्रिकाएँ होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड होता है वो निकलता है, ठीक है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, मैंडिबल है, ये क्या है, मैंडिबल है, और जो मैंडिबल जो हड्डी होती है वो खोपड़ी की एकमात्र गतिशील हड्डी होती है, मूवेबल होती है, ठीक है, जो चबाने का काम करती है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो ये दांत, ये प्री मैगजिला और मैगजिला में स्थित होते हैं, ठीक है, और जो रूमंती जानवर होते हैं उनके ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत होते हैं वो एबसेंट होते हैं, और उनके स्थान पर एक पैड पाया जाता है जिसको बोलते हैं डेंटल पैड बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आप गड्ढे देख रहे हो ये कौन सा गड्ढा है, तो ये कॉर्नुअल फोसा है, ये क्या है, कॉर्नुअल फोसा है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, कॉर्नुअल नर्व पाई जाती है। जब हम हॉर्न एम्पुटेशन करते हैं ना,
सींग को काटते तब इसको हम ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अब देखिए, और यहां पर स्पिनोइड बोन पाई जाती है, स्पिनोइड बोन होती है उसमें क्या रखी रहती है, पीयूष ग्रंथि रखी रहती है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि रखी रहती है। तो ये अपने क्या है, खोपड़ी हो गई, ठीक है। खोपड़ी में यानी कि कहने का मतलब ये दो प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, क्रेनियल और फेशियल। अब देखो हम बात करें किसकी, कशेरुकाओं की, तो एक्जियल स्केलेटन का अपना पहला जो अंग है वो क्या है, खोपड़ी है, पहला भाग क्या है, खोपड़ी। अब दूसरा भाग है अपना कशेरुकाएं। अब देखिए कशेरुकाएं होती हैं वो पांच प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, पांच प्रकार की होती हैं। देखो पहला है सर्वाइकल, दूसरा थोरेसिक, तीसरा लंबार, चौथा सैक्रम और पांचवी कोक्सीजियल। अब देखो पहले बात करेंगे हम किनकी, सर्वाइकल की। तो सर्वाइकल क्या होती है, यानी कि गर्दन में पाए जाने वाली जो कशेरुकाएं होती है ना, ये गर्दन में, तो ये कौन सी होती है, ये सर्वाइकल होती हैं। और देखो फर्स्ट जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसको बोलते हैं एटलस, और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसको बोलते हैं एक्सिस। और जो एक्सिस होती है वो सबसे लंबी कशेरुका होती है, यानी कि इसकी जो बॉडी होती है ना वो बड़ी होती है, ठीक है। इसलिए सबसे लंबी कशेरुका होती है वो कौन सी होती है, तो वो होती है एक्सिस। और देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी स्तनधारी जानवर होते हैं ना, उन सभी में सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या होती है वो कितनी होती है, सात होती है, ठीक है। ये तो तुमको सर्वाइकल के बारे में ध्यान रखना है। अब उसके बाद है कोक्सीजियल कशेरुकाएं, सॉरी थोरेसिक कशेरुकाएं। तो देखिए थोरेसिक कशेरुकाओं की संख्या गाय में कितनी होती है, 13 होती है। तो जो थोरेसिक कशेरुकाएं होती हैं वो क्या बनाती हैं, यानी कि यह क्या है, बच्चे हुआ है, थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी की जो छत बनाने का काम करती है वो कौन करती है, थोरेसिक कशेरुकाएं करती हैं। और देखिए ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस, यानी कि जानवर के शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो क्या होता है, कूबड़ होता है। और कूबड़ जो मिलकर बना होता है, किन से मिलकर बना होता है, थर्ड और फोर्थ थोरेसिक कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखिए ये जो निकल रही है इनको बोलते हैं सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस, जो कि थोरेसिक कशेरुकाओं की विशेषता होती है। और गाय में थोरेसिक कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, लंबार कशेरुकाएं। लंबार कशेरुकाएं होती है वो एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, उदर गुहा, उसकी छत बनाने का काम करती है। और देखिए जो एब्डोमिनल कैविटी में ये जो आपको निकले दिखाई दे रहे प्रोसेस, इनको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं इनको, ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है वो लंबार कशेरुकाओं की मेन विशेषता होती है, यानी कि सबसे ज्यादा विकसित ट्रांसवर्स प्रोसेस किस में होते हैं, तो वो लंबार कशेरुकाओं में होते हैं। और देखिए जिस जानवर में ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ज्यादा विकसित होंगे वो उतना ही ज्यादा विकसित होगा जानवर, ठीक है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो ये सैक्रम है, ये क्या है, ये सैक्रम कशेरुकाएं। और गाय में इनकी संख्या होती है 5, ठीक है। तो गाय में इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। और सैक्रम कशेरुकाएं होती हैं वो जानवर के शरीर की सबसे मजबूत कशेरुकाएं होती हैं, ठीक है। और ये पेल्विक कैविटी की छत बनाने का काम करती हैं। उसके बाद है कोक्सीजियल कशेरुकाएं। कोक्सीजियल कशेरुकाएं होती हैं वो पूंछ में पाई जाती हैं, ठीक है। किस में पाई जाती हैं, पूंछ में पाई जाती हैं। और लगभग लगभग सभी जानवरों में इनकी जो संख्या होती है वो 15 से 25 होती है, ठीक है। यानी कि एवरेज माने तो हम 20-21 के लगभग होती है, ठीक है। ये तो हो गई कशेरुकाओं की बात। कशेरुका कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबार, सैक्रम और कोक्सीजियल। सर्वाइकल कहाँ पाई जाती हैं, गर्दन में पाई जाती हैं। थोरेसिक कहाँ पाई जाती हैं, थोरेसिक कैविटी की छत बनाने का काम करती हैं। लंबार कहाँ पाई जाती है, एब्डोमिनल कैविटी की छत बनाने का काम करती हैं। और जो सैक्रम होती हैं वो पेल्विक कैविटी की छत बनाने का काम करती हैं। और कोक्सीजियल कशेरुकाएं होती है वो पूंछ में पाई जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लें आपसे कि सबसे ज्यादा विकसित सुप्रा स्पाइनस प्रोसेस कौन सी कशेरुकाओं की विशेषता है, थोरेसिक कशेरुकाओं की विशेषता है। कूबड़ होता है वो कौन कौन सी कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है, थर्ड और फोर्थ थोरेसिक कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होता है, कूबड़ होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा विकसित ट्रांसवर्स प्रोसेस कौन सी कशेरुकाओं की विशेषता है, तो ये लंबार कशेरुकाओं की विशेषता है। सबसे मजबूत कशेरुका कौन सी हो जाएंगी, तो वो हो जाएंगी सैक्रम कशेरुकाएं। पूंछ में कौन सी कशेरुकाएं पाई जाती हैं, कोक्सीजियल कशेरुकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री कौन सी है, तो वो हो जाएगी एटलस। सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री एक्सिस हो जाएगी। शरीर की सबसे लंबी कशेरुका एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये तो हो गई कशेरुकाओं की बात। अब हम बात करते हैं किसकी, के बारे में। तो देखिए
दो प्रकार की हैं, पसलियां दो प्रकार की, एक तो होती है एक्सटर्नल और एस्टर्नल। अब आप समझो कि एक्सटर्नल रिप्स किसे बोलते हैं, तो पसलियां एस्टर्नल से जुड़ी रहती हैं, डायरेक्ट जुड़ी रहती है, जैसे पड़ रही हैं ना, इसलिए इनको बोलते हैं एस्टर्नल। और वे जो एक्सटर्नल डायरेक्ट नहीं है, यानी कि जो है लेकिन डायरी नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहती है, तो उनको बोलते हैं हम एक्सटर्नल रिप्स। और जो एक्सटर्नल रिप्स होती हैं, इनको हम फाल्स रिप्स भी बोलते हैं और फ्लोटिंग रिप्स भी बोलते हैं, और इनको हम ट्रू रिप्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, गाय में 13 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, गाय में 13 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, जिनमें से 8 जोड़ी होती है वो कैसी होती हैं, तो वो होती हैं ट्रू रिप्स, यानी कि एक्सटर्नल रिप्स, और 5 जोड़ी होती है वो होती हैं एक्सटर्नल रिप्स होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई पसलियों की बात। अब देखो, जो पसलियां होती हैं ना, यानी कि रिप्स होती हैं, वो थोरेसिक कशेरुकाओं की दुगनी होती हैं। जैसे गाय में थोरेसिक कशेरुकाओं की संख्या कितनी है, 13, तो पसलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई पसलियों की बात। अब देखो, ये जो आपको नीचे दिख रहा है, ये क्या है, स्टर्नम। ये क्या है, स्टर्नम। तो स्टर्नम होता है ना, वो इस थोरेसिक कैविटी का क्या बनाता है, फ्लोर बनाता है, फर्श बनाने का काम करता है। ये पूरी आपको दिख रही है, क्या है, थोरेसिक कैविटी है, और थोरेसिक कैविटी का जो फ्लोर बनाता है वो बनाता है कौन, स्टर्नम। स्टर्नम को हम ब्रिस्ट बोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रिस्ट बोन भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन है LSA एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्रिस्ट बोन किसे कहते हैं, तो स्टर्नम को बोलते हैं। और देखो, स्टर्नम कैसी संरचना है, तो ये ऑस्टियो कार्टिलेजिनस संरचना है, जो हड्डी और उपास्थि दोनों से मिलकर बनी होती है। और कैसी बोन है ये, तो ये फ्लैट बोन होती है। कैसी बोन होती है, फ्लैट बोन होती है। और देखो, जो स्टर्नम होता है ना, इसमें खंड पाए जाते हैं, तो गाय का जो स्टर्नम होता है उसमें खंडों की संख्या होती है 7। देखो, आप गिन सकते हैं, ये खंड हैं। ठीक है, और इसका जो पहला खंड होता है उसको बोलते हैं मैनिब्रियम। क्या बोलते हैं, मैनिब्रियम बोलते हैं। और जो बीच वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी, और लास्ट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं जिपॉइड। ठीक है, तो स्टर्नम के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, यानी कि मैनिब्रियम, बॉडी और जिपॉइड। अब आपको याद रखना है कि जो घोड़े का जो स्टर्नम होता है उसकी आकृति होती है नाभाकार, यानी कि बोट शेप होती है। ठीक है, यहाँ को ध्यान रखना है। तो देखो, हम लगभग एक्जियल स्केलेटन के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी कि देखो खोपड़ी के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कशेरुकाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, और रिप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, और स्टर्नम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की, यानी कि फोरलिंब और हैंडलिंब की। तो देखिए, फोरलिंब में अगर हम बात करें अगले पैर की हड्डियों की, तो ये अगले पैर की हड्डी है, इसको बोलते हैं हम स्कैपुला। क्या, अब हम बात कर लेते हैं कंकाल की। तो जो जानवरों का जो कंकाल होता है वो कैसा होता है, तो ये बाइलेटरल सिमेट्री का होता है, यानी कि इसको अगर हम काटेंगे ना, देखिए ये स्कैपुला है। ठीक है, अब देखिए स्कैपुला में ये जो आपको दिख रहा है ये नुकीला बार, इसको बोलते हैं हम क्या, स्पाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैपुलर स्पाइन बोलते हैं। और ये जो दिख रहा है ये क्या है, सुप्रा स्पाइनस फोसा। क्या बोलते हैं, सुप्रा स्पाइनस फोसा। और ये इन्फ्रा स्पाइनस फोसा, इनके ऊपर जो मांसपेशी पाई जाती है इसके ऊपर पाई जाती है इन्फ्रा सुप्रा स्पाइनेटस मसल, और इसके ऊपर इन्फ्रा स्पाइनेटस मसल पाई जाती है। एक्रोमियन प्रोसेस है, इसमें क्या पाया जाता है, ग्लेनोइड नोच पाई जाती है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ग्लेनोइड कैविटी। इसमें ये हुमरस का सिर है, ये हुमरस का हेड है जो ग्लेनोइड कैविटी में फिट होता है और शोल्डर जॉइंट बनता है। तो स्कैपुला हड्डी की ग्लेनोइड कैविटी और हुमरस का हेड मिलकर क्या बनाते हैं, शोल्डर जॉइंट बनाते हैं। ये हुमरस हड्डी है, इसमें क्या पाई जाती है, डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी पाई जाती है। ट्यूब्रोसिटी का मतलब होता है उभार। ठीक है, और इसमें न्यूट्रिएंट फोरामेन पाया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, रेडियस अल्ना। ये रेडियस है और ये अल्ना। तो देखिए, इनके बीच में जो स्पेस दिख रहा है इसको बोलते हैं इंटर ओसियस स्पेस, ये रहा। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये क्या है, तो ये अल्ना हड्डी का ओलेक्रेनन प्रोसेस है। ये अल्ना हड्डी है, इसका ओलेक्रेनन प्रोसेस है, जो क्या बनाता है, ये पॉइंट ऑफ एल्बो बनाता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ एल्बो बनाता है, यानी कि कोहनी का उभार बनाता है। तो कोहनी के उभार को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एल्बो। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये कार्पल बोन है। कौन सी है, कार्पल बोन, जो कि शॉर्ट बोन होती है। ठीक है, कार्पल बोन। और गाय में कार्पल बोन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है, अब देखिए, अब देखो ये तो हो गया अपना शोल्डर जॉइंट, ये हो गया एल्बो जॉइंट, और ये नी जॉइंट। ठीक है, ये नी जॉइंट है। तो देखो, एक तो एल्बो जॉइंट और एक नी जॉइंट, ये संयुक्त जोड़ के उदाहरण है। अब देखो, इसमें 3 जॉइंट बनते हैं, एक तो कार्पल कार्पल के बीच में बनता है। तो ये जो शॉर्ट बोन है ये
कार्पल बोन है। उसके बाद देखिए ये जो आप देख रहे हो ये मेटाकार्पल है, ये क्या है मेटाकार्पल है, यानी कि गाय में दो मेटाकार्पल पाई जाती है, एक तो स्मॉल मेटाकार्पल, स्मॉल मेटाकार्पल इधर होती है छोटी, ठीक है, और ये लार्ज मेटाकार्पल है। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है दो डिजिट पूर्ण विकसित डिजिट है दो, ठीक है, और ये देख रहे हो ये क्या है फेलेंजस, फर्स्ट फेलेंजस, सेकंड फेलेंजस और थर्ड फेलेंजस, ठीक है। तो देखो ये तो नी जॉइंट हो गया, ये नी जॉइंट है, अब ये फेटलॉक जॉइंट है जो मेटाकार्पल और फर्स्ट फेलेंजस के बीच में बनता है, ठीक है, और ये पेस्टर्न जॉइंट है, पेस्टर्न जॉइंट जो कि फर्स्ट फेलेंजस और सेकंड फेलेंजस के बीच में बनता है। उसके बाद ये कॉफिन जॉइंट है जो कि सेकंड और थर्ड फेलेंजस के बीच में बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गई अगले पैर की बात, अगले पैर में देखो ये स्कैपुला हड्डी हो गई, स्कैपुला हड्डी है, ये हुमरस है, ये रेडियस अल्ना है, ये छोटी छोटी बोन है जो कार्पल बोन है, ये मेटाकार्पल है, और ये डिजिट हैं, एक डिजिट में तीन फेलेंजस पाई जाती हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। देखिए अब हम बात करेंगे पिछले पैर की, तो ये जो आप देख रहे हो ये हिप बोन है, क्या है हिप बोन है, यानी कि हिप बोन दो होती हैं, एक तो राइट साइड की हिप बोन और एक लेफ्ट साइड की हिप बोन, यानी कि दोनों हिप बोन जुड़कर, यानी कि लेफ्ट साइड की और राइट साइड की, इन दोनों जब मिल जाती है तब उसको बोलते हैं ऑस ऑक्सी, ठीक है। अब देखिए तो ये इनमें जो हड्डी दिख रही है ये कौन सी हड्डी है इलियम, तो हिप बोन होती है वो तीन हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इलियम, इशियम और पूबिस, तो ये इलियम हो जाएगी, ठीक है, ये इशियम हो जाएगी और ये पूबिस हो जाएगी, निचले वाली पूबिस हो जाएगी। और ये जो आप दिख रहे हो ये एसिटाबुलम कैविटी है, ये क्या है एसिटाबुलम कैविटी है जो इलियम, इशियम और पूबिस तीनों हड्डियों से मिलकर बनी होती है। तो इस एसिटाबुलम कैविटी में जो ये दिख रहा है आपको ये कौन सी हड्डी है फीमर, फीमर का जो हेड होता है वो इसमें जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये हिप बोन हो गई और ये पॉन्टोप हिप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो फीमर है, फीमर में क्या पाया जाता है, एक तो ट्रोकेंटर मेजर पाया जाता है और एक ट्रोकेंटर माइनर पाया जाता है, ठीक है, और क्या पाया जाता है फोबिया कैपिटस पाया जाता है। अब ये जो आप देख रहे हो ये क्या है पटेला है, ये क्या है पटेला है जो कि जानवर के शरीर की सबसे बड़ी सिस्मोइड बोन होती है। अब देखिए सभी जानवरों में इसकी आकृति होती है वो कैसी होती है त्रिकोणाकार होती है, लेकिन घोड़े में जो इसकी आकृति होती है ना वो चतुष्कोणीय होती है। और ये कौन से जॉइंट पर पाई जाती है, तो ये स्टाइपल जॉइंट पर पाई जाती है। ये जो आप देख रहे हो ये जॉइंट कौन सा है, ये जॉइंट है हिप जॉइंट और ये स्टाइपल जॉइंट है। तो पटेला होती है वो हिप जॉइंट पर पाई जाती है, और पटेला सिस्मोइड बोन है जो देखो दोनों हड्डियों के बीच में पुली की तरह कार्य करती है, ऐसे लगी रहती है और पुली की तरह कार्य करता है, दोनों हड्डियों में घर्षण है वो कम। देखिए ये देख रहे हो ये हिप बोन हो, ये फीमर हो गई। अब देखिए बिया है, ये पूरी क्या बिया है, और ये जो अवशेष दिख रही है इसको दिखाओ, ये जो अवशेष रही है ये क्या है फिबुला हड्डी है, ये हड्डी यानी कि फिबुला होती है वो सी होती है, फिबुला जो होती है वो अवशेष होती है, ये क्या है टिबिया है। अब देखो ये क्या है टार्सल, टार्सल शॉर्ट बोन होती है, ये जो दिख रही है फिबुलर टार्सल है, जो सॉरी टार्सल होती है फिबुलर टार्सल, फिबुलर टार्सल बोन होती है। अब जो टॉप आती है ये क्या है कॉक है, कौन टॉप बनता है फिबुलर टार्सल हड्डी से कर बना होता है। ये जो आप देख क्या है टार्सल, टार्सल दो होती है, एक तो लार्ज मेटल और स्मॉल मेटल, ये मेटाटार्सल और ये वही फर्स्ट फेलेंजस, सेकंड फेलेंजस और थर्ड फेलेंजस है।